Hi guys, welcome to Tarun ka Telepitara, जिसके अंदर आप मिलेंगे हर हफ्ते विद योर फेवरेट टेलीविजन का सितारा। मैं हूँ तरुण खुराना, आपका दोस्त, जो लेकर आएगा बहुत ही मजेदार और पॉपुलर सेलिब्रिटीज आपके सामने और जिनसे मैं पूछूंगा कुछ ऐसे मजेदार और चटपटे सवाल जिनको सुनकर आपको आएगा बहुत ही ज्यादा मजा और ये शो होगा फुल ऑफ धमाल एंड एंटरटेनमेंट। तो क्या आप लोग तैयार है? तो शुरू करते हैं। बुलाने जा रहे हैं अपनी पहली सेलिब्रिटी गेस्ट को, जिसने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और आज वो इस इंडस्ट्री में तहलका मचा रही हैं और आज वो टेलीबैंक के नाम से भी जानी जाती हैं। तो कनक की खनक दिखाने आ रही हैं साथ में बाना साथिया 2 से आकांक्षा जुनेजा उर्फ कनक देसाई। आकांक्षा जी, वेलकम टू माय शो तरुण का टेलीपिटारा। व्हाट डिड यू जस्ट से? आकांक्षा जी कौन है? आकांक्षा जी कब से बुलाने लगे तू मुझे? सी ओके, मैं तेरे शो पे आई हूँ, बट हूँ तो तेरी बहन ही ना वीरे, तो मैं भी तुझे वीरे ही बुलाऊंगी और तू मुझे अक्कू दी बुलाता है तो अक्कू दी ही बुला। ओके हाँ, तो मैं ये भी बता दूं कि ये मेरी बहुत प्यारी क्यूट सी बहन है और आज मैंने इनको इसीलिए सबसे पहला गेस्ट बनाया क्योंकि मैं शुरुआत घर से करना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं कि हर एक चीज घर से शुरू होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी इनके साथ यहाँ तो छोड़ दे भाई। ये तो मेरा काम है, टांग खींचना, तो शो में कैसे बुलाया जाए। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दूं कि आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने वाला हूं जिसके अंदर होंगी बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा फन, पर आपको झूठ नहीं बोलना और सारे जवाब एकदम सही सही देने हैं। तो आप पिंकी प्रॉमिस करो मुझे। आई एम स्कैर्ड। ओके ऑडियंस, आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। So guys, आज के पहले राउंड का नाम है स्नीक पीक, जिसके अंदर आप जानेंगे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में, जैसे कि ताका झाकी। तो आर यू रेडी फॉर इट? करिए ताका झाकी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फन इंटरेस्टिंग सवालों से। तो पहला सवाल है, व्हाट थिंग ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस? ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आती है? एक्चुअली मेरे फेस पे से स्माइल कभी जाती है क्या? वो भी बात सही है। I'm always smiling. Yeah, but generally एक ऐसा fact. Okay, what makes me happy? मुझे सबसे ज़्यादा happy करता है आप लोगों का प्यार, जो आप इतना सारा प्यार, इतने प्यारे प्यारे comments और इतने अच्छे अच्छे post आप मेरे लिए बना के जो post करते हैं, मुझे वो सब देखकर, आप लोगों का सबका प्यार देखकर और specially इसकी शैतानियाँ देखकर मुझे smile आ ही जाती है, इसलिए मेरी smile कभी जाती नहीं है। Very nicely answered, क्या बात है। तो अगला सवाल है, फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग? ओके, फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज गेट अप एंड चेक टाइम, वॉट टाइम इज इट, एंड बिकॉज उठते ही शूट पे भागना होता है, तो आई चेक द टाइम एंड देन आई प्लान कि मुझे कितने टाइम में निकलना है, तो मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ, क्या चीज किसके बात करूँ और कितना जल्दी मैं घर से निकल के टाइम पे अपने शूट पे पहुंच सकूँ। वेरी नाइस, काफी पंक्चुअल लग रही हैं आप इस जवाब से, बट कोई बात नहीं, मुझे भी पता कितनी बार अलार्म्स ऑफ हुए हैं आपके स्नूज बटन से, कोई नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, इसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। तो अगला सवाल है, व्हाट इज योर गो टू पार्टी आउटफिट? मतलब कोई ऐसा आउटफिट जो आप कहीं भी जाके उसको रॉक कर सकते हो, मतलब आपने जो पहना है उसके आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस है आपके अंदर उसको पहन के। वैसे तो जो भी मैं कॉस्ट्यूम्स चूज करती हूँ, यू नो इट वेरी वेल कि मैं पहले अपना कंफर्ट देखती हूँ उसमें और कंफर्ट के बाद मैं ये देखती हूँ कि मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से वो कैसा लग रहा है। तो आई थिंक आई वेयर एनीथिंग, आई वेयर अ डेनिम, आई वेयर अ शॉर्ट्स, आई वेयर अ ड्रेस, आई वेयर अ गाउन, लाइक राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ कोट पैंट, सो वॉट एवर इट इज आई डिसाइडेड एज पर माई स्किन कलर एंड माई बॉडी टाइप, सो वेन आई फील कॉन्फिडेंट ओनली देन आई गो आउट। That's nice, very nice. तो अगला सवाल है, what is your favorite emoji? Without that, आपकी चैट काफी incomplete रहती है। You want me to do it and show you? Yes, please do that. ये सच में इनका फेवरेट इमोजी है, सेल्फीज में भी यही फेस बनाती है, हर बार भेजती है, उनको तो पता नहीं बट शक्ल जरूर ऐसी बनाती है। ओके, तो इस राउंड का आखिरी सवाल है,
What is the most eventful day of your life till date? Most eventful day of my life till date. Actually, my life has been an event till now. Every day has been eventful. Every day I have learned a lot of things. Every day I have discovered a lot of things. Every day I have a new challenge, and every day I come up with solutions. But if you say eventful, I would say when I was awarded and my parents were there with me and I gave my award to my mother, and unki aankhon mein jo maine happiness dekhi aur the way both of them were happy, it just made my life worth. Very nice. और मैं भी उस समय वहाँ पे था और वो moment बहुत ही ज़्यादा proud था. Yes. So I want to congratulate you for that. कि वो आपकी बहुत बड़ी achievement थी और हम सबको बहुत ज़्यादा proud feel हुआ. Oh, thank you. So guys, हमारे दूसरे round का नाम है Would you rather. अगर ये नहीं तो क्या वो करना चाहेंगे? तो आप ready हैं? Always. तो मेरा पहला सवाल है, would you rather eat the same food entire life or can't feel the taste of the food whenever you eat anything? मतलब कि क्या आप एक ही डिश पूरी जिंदगी खा सकते हो? नहीं तो आप जो भी खाओगे आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा. ये मतलब ये क्या ऑप्शन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. टेस्ट तो एक ही आएगा, चाहे मैं अलग अलग डिश खाऊं तो टेस्ट आएगा, तो उसमें तो टेस्ट ही नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं आएगा. तो उससे बेटर मैं एक ही डिश खा लूंगी. मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही चूज करता. ओके, अगला सवाल है, वुड यू रादर एक्सीडेंटली कॉल योर पार्टनर बाय योर एक्सेस नेम और हैव देम डू दैट टू यू. क्या आप ये चाहते हैं कि गलती से आप अपने पार्टनर को अपने एक्स के नाम से बुलाओ या तो वो आपको उस नाम से बुला लें? ऐसा कौन चाहता है. इसके बाद तो सीधा ब्लैंकेट बिठाई होती है ना. ब्लैंकेट बिठाई, ब्लॉग सब हो जाता. फिर पार्टनर नहीं रहता. फिर वो एनिमी बन जाता. नो आंसर, स्पीचलेस. आई नो ऑडियंस भी काफी रिलेट कर रही होगी इस बात को. कितने सिंगल्स और कमिटेड लोग बैठ के यही सोच रहे होंगे, यार ये तो हमारे साथ भी होता है. रट्टा मार लेना चाहिए. सो अगला सवाल ये है कि आप बहुत ही ज्यादा रिच हैं, ठीक है, और आप अपनी जिंदगी से 20 साल ज्यादा जी पाएंगे, बट दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, पर सिर्फ आप 10 साल जिंदगी के और जी पाएंगे. सी, मेरे लिए पैसे से ज्यादा हैप्पीनेस मैटर करती है और मुझे हैप्पीनेस मिलती है प्यार से, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यार मैटर करता है. तो ऑब्वियसली मैं चूज करूंगी हैप्पी रह के 10 साल जीना, ना कि रिच होके 20 इयर्स जीना. ट्रू, जैसे कि कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस. एग्जैक्टली. तो इससे पता चलता है कि आप काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, जो कि मुझे पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है. मैं भी होता तो शायद यही चुनता और काफी ऑडियंस इस बात से कनेक्ट भी कर रही होगी. तो अगला सवाल है, वुड यू रादर हैव सुपर स्लो इंटरनेट और लो बैटरी ऑल द टाइम? I can't bear with both of them. I can't choose one. I need super fast internet and I want my phone to be charged. एक जवाब तो आपको देना पड़ेगा, या तो आपका फोन का इंटरनेट हमेशा खराब रहे फिर आप रील्स कैसे डालोगे, या तो आपके फोन की बैटरी हमेशा मरी रहे. तो मतलब मुझे चार्जिंग पॉइंट पर ही बैठे रहना पड़ेगा. हाँ, एक तो आपको. I have an option. I can choose the second one. I can go with low battery and buy a portable charger. Okay, ठीक है. Fair enough. So, अगला सवाल है और लास्ट सवाल इस राउंड का, वुड यू रादर वॉन्ट योर एम्बेरसिंग मोमेंट टू गो वायरल ऑन रील्स और यू कांट ओपन इंस्टाग्राम अगेन इन योर लाइफ? क्या आप ये चाहती हैं कि आपका कोई एम्बेरसिंग मोमेंट इंस्टाग्राम लाइव चला जाए या रील्स पे वायरल हो जाए? वो एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंस्टाग्राम कभी खोल ही नहीं पाएंगे, ना कभी चला पाएंगे. That's a difficult one. अगर मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगी तो आप लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे. आई नो यू गाइज कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ओनली बिकॉज दैट्स द ओनली सोशल मीडिया आई एम अवेलेबल ऑन एंड दैट्स द ओनली सोशल मीडिया आई यूज. और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को परेशान करूँ. आई नो अगर मेरा ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आएगा तो आप लोग उसको अवॉइड कर दोगे, जाने दोगे, है ना, वायरल नहीं करोगे ना. आपको लगता है ऐसा होगा?
सबसे पहले मैं वायरल करूंगा, उसके बाद दुनिया तो बाद में वायरल करेगी. अब ये चाहोगे कि आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट वायरल हो जाए, पर आप इंस्टाग्राम चलाना नहीं छोड़ सकते. इससे पता चले कितनी बड़ी फोन एडिक्टा दी थी. बिल्कुल नहीं हूँ और तेरे से तो बहुत कम हूँ. झूठ है. अभी इन्होंने अपने सवाल से और जवाब से जस्टिफाई कर दिया. नहीं, आप लोग एडिक्ट है ना मेरे. अगर मैं इंस्टाग्राम नहीं खोल पाऊंगी तो आप लोगों को मेरे अपडेट्स नहीं मिलेंगे, और अपडेट्स नहीं मिलेंगे तो नाराज हो जाएंगे ना, तो मैं इनको नहीं नाराज कर सकती. ठीक है, जाने देते हैं. चलो, माफ किया आपको. ठीक है, बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ. So, हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर. आप लोगों ने रैपिड फायर तो सुना होगा ना, पर ये रैपिड फायर है क्योंकि ये तरुण का शो है, और इसके अंदर आप ट्रैप भी हो सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको सवालों के जवाब देने होंगे एकदम क्विक एंड फास्ट. आर यू रेडी? लेट्स गो. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बॉलीवुड रीमेक यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ? ऐसी कौन सी बॉलीवुड मूवी का अगर सेकंड पार्ट आएगा तो आप उसका पार्ट बनना चाहोगे? गंगूबाई काठियावाड़ी. दैट्स नाइस. Okay, a cheesiest pickup line you received so far? क्या आप मेरी ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? आपको देख के मेरा दिल कहीं खो गया है. That's super cheesy actually. Okay, one thing you still have from your childhood? My diary. Okay, I want to read that one day. Okay, next question. Full day with Gehna of Saath Nibhana Saathiya 2 or weekend with Ba Bapuji of Saath Nibhana Saathiya 2? Full day, full life with Gehna, any time. Are you serious? Yeah. Okay, that's nice. Next question. What is your favorite holiday? Favorite holiday as in holiday place or? Holiday, like. Matlab, what do I like to do on my holiday? Yeah. Eat, sleep, rave, repeat. Okay, nice. Are you guys seeing? Same. Okay. Next question is, rate in the order of good looks. Okay. In the following order: Sharad Malhotra, Harsh Nagar, Shakti Arora, Ram Kapoor. Shakti, and then who all were there? Then Sharad, and then Harsh, and then Ram. Fair enough. Okay. Next question. Wine and Dine, Arjun Bijlani और Ram Kapoor. आप किसके साथ wine पे जाना चाहोगे और किसके साथ dine करना चाहोगे? Arjun के साथ wine and Ram के साथ dine. Very nice. Okay. Any telly rumor is true about you? मेरे बारे में वैसे तो बहुत सारे rumors हैं. कोई जो true हो. मतलब like right now. Yeah. Yeah, I'm coming back to the show. Okay, ये rumor नहीं है तो confirmation है ना. Okay, love, fame, money, skip one. Skip one. Money. Are you sure? हाँ, because fame और love के साथ money automatically adjust हो जाता है. नहीं, but money नहीं आएगा ऐसे एक चीज़. आएगा ही नहीं. हाँ. तो love and money, skip fame. Okay, skip I already the, have it. Skip to the good part then. Okay. Rate in the order of a better performer. Urvashi Dholakia as Komolika or Smriti Irani as Tulsi. Actually, दोनों का zoner बहुत अलग है. एक positive है और एक negative है, और दोनों ही अपने अपने characters को बहुत beautifully दोनों ने portray किया है, तो you just can't compare them. Okay, you have to give an answer. I like both. No. One is a positive one, one is a negative one. मतलब can you choose between me and Gehna? Yes, I can choose. Because you are my brother. No, but still. Okay. Urvashi. Great. This was not very rapid and not very candid. This is full of drama. No, what are you trying and to say? Diplomacy. I'm a drama queen. You are. This is full of diplomacy. इन्होंने बहुत safe play किया है काफी questions में. So, but फिर भी well played. So, I was honest. Is it? Yeah. Test करके कि वो क्या चीज़ है. टेस्टी चीजें हैं, मतलब जो आप रोज मतलब क्रेव करते हो ना, सुबह उठते रात को दोपहर को जब भी आपको भूख लगती है, ये सब वो चीजें हैं कि जो आप हर टाइम खाना चाहोगे. ओके, आर यू रेडी? रेडी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, आर यू रेडी फॉर दिस डिजर्ट? डिजर्ट. ओके. ओके. Yeah.
यू सेड यू कॉफी है कौन सी कॉफी? थोड़ा शुगर तो डाल देता आपके लिए मैं एक्सप्रेसो बना के नहीं ले आता ब्लैक कॉफी है एंड आई डोंट लाइक ब्लैक कॉफी वैसे दिस इज राइट दिस इज ब्लैक कॉफी आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट आप मुंह तो बड़ा खोलो ये सॉस है कौन सी सॉस हॉट एंड चिली वाला नहीं ये बहुत दो तीन चीजों में डलती है सिर्फ पिज्जा टॉपिंग सॉस है दैट्स करेक्ट दिस इज पिज्जा सॉस आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेमन वाटर लेमन वाटर सीधा लेमन जूस कॉन्सेंट्रेटेड तेरे को बताती हूँ एपिसोड के बाद वैसे देखा जाए तो इनको अभी तक जितने भी चीजें टेस्ट कराई इनको सबका गेस सही किया है इन्होंने दैट्स वेरी नाइस आप काफी होमली और घरेलू लगते हो और बहुत फूडी भी दैट्स राइट ओके आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट ये ग्रीन चिली सॉस है बिल्कुल सही आप क्या रास्ते में जाके चाट पकौड़ी खाते रहते हो पूरा टाइम आपको सारी सॉसेस के बारे में पता है Because I cook, so I know the taste. Okay, so are you guys ready for the last and the final dish? Got it. Yes, yes. The grand finale. एक तो अच्छा टेस्टी कुछ खिला. ये सबसे टेस्टी है. मतलब सबसे गंदा है. नहीं नहीं सच में सबसे टेस्टी है. Okay. This is super yum and very healthy. Yummy. क्या एक तो सब चीजों का टेस्ट मिक्स हो गया नहीं रुको मैं एक और आई थिंक यू नीड वन मोर स्पून सब का टेस्ट मिक्स हो गया हां नहीं यू नीड वन मोर शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस नो बिग माउथ मेयोनीज है कौन सी मेयोनीज वाइट वाले वेज मेयोनीज दिस इज वेरी क्लोज टू यू मतलब आप बहुत अपनी डेली रूटीन में इसको बहुत यूज करते हो डेली रूटीन में मैं हां मतलब काफी ज्यादा ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ आप इसको मेयोनीज ही लग रही है मेरे को ओके सो आई थिंक आप रिवील कर देना चाहिए कि ये लास्ट वाली चीज क्या थी यार ओके कच्चा अंडा रियली तू मुझे कच्चा अंडा क्या है नहीं प्लीज सेट खराब नहीं करना चाहता बट आप इतने टेस्ट से खा रहे थे मतलब जैसे आपकी डेली की रूटीन है ग्रीन चिली सॉस के बाद उसका टेस्ट अच्छा अंडा रियली मैं खुद एक बार को हो गया मतलब कि मैं मेरे को खिलाते हुए थोड़ा कॉन्शियस हो रहा कि कहीं आप वॉमिट ना कर दो पर आपने एकदम स्वाद से खाया रोहित अगली बार से दीदी को यही खिलाना ये एपिसोड के बाद सो अब हम अपने एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं और टाइम आ चुका है अपने सेलिब्रिटी गेस्ट आकांक्षा जुनेजा को अलविदा कहने का ओके इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड जाने से पहले मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूंगी ये शो बहुत आगे जाए बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए और सब आके अपनी ब्लेसिंग्स दें और यू कीप ग्रोइंग लाइक फॉरएवर एंड एवर एंड ऑल माय लव एंड हग्स टू यू थैंक यू सो मच और मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ये शो का पहला एपिसोड करके दिस वॉज टोटली अ लॉट ऑफ फन बट जाने से पहले रेसिपी कप आपके लिए एक हैम्पर लेके आया है तो मैं आपको बता दूं कि रेसिपी कप क्या है रेसिपी कप इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर होम शेफ्स मदर्स क्लाउड किचन्स एंड रेस्टोरेंट्स जैसे कि जोमैटो स्विगी है वैसे ही जल्दी रेसिपी कप ग्लोबली लॉन्च होने वाला है सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू एंड ऑल्सो गुड लक टू रेसिपी कप चीयर्स